खबर है शिरडी के साईं बाबा की, जिनकी सुरक्षा को लेकर अब संचालक मंडल ही नहीं बल्कि कोपरगांव के एक व्यक्ति ने एक बड़ी मांग की है कि शिरडी के साईं बाबा की सुरक्षा में गंभीरता दिखाए सरकार और जो सीआईएसएफ जैसी बड़ी बड़ी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी वहां तैनाती की जाए। इस मामले से संबंधित एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई है। कोपरगांव तहसील के रहने वाले संजय काले ने ये याचिका हाईकोर्ट में दाखिल करवाई है। इस याचिका में काले का ये कहना है कि साईं मंदिर को सुरक्षा प्रदान करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, क्योंकि अब साईं मंदिर पर आतंकी हमले का साया मंडराने लगा है। इसके साथ ही शिरडी में लगातार हो रही चोरियां, पॉकेटमारी, चैन स्नैचिंग जैसी आपराधिक वारदातों ने साईं भक्तों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। इन सभी चीजों से निजात पाने के लिए सीआईएसएफ जैसी टीम शिरडी में तैनात की जाए, ऐसी मांग याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ के समक्ष अपनी दायर याचिका में की है। श्री साई बाबा की शिरडी अंतर्राष्ट्रीय दर्जा का देवस्थान है। यहाँ पर साई भक्तों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा समस्या खड़ी हो चुकी है, इसलिए शिरडी पुलिस ने शिकरडी नगर पंचायत को बार बार अर्जी दी है कि शिरडी के मंदिर के बाजू में जो जो बड़ी इमारती है उनकी सब जो तावदाने जो मंदिर की तरफ खुलती है, जो रास्ते मंदिर की तरफ खुलते हैं, वो तत्काल बंद किया जाए और वहाँ पे सीसीटीवी फुट लगाया जाए। बल्कि ना तो शिरडी नगर पंचायत या तो शिरडी साई बाबा संस्थान इस पर गौर कर रही है। इसके बाद जो माहिती अधिकार में मैंने जो इंफॉर्मेशन निकाली है उसमें ऐसा दिखता है कि शिरडी में दर बदर गुनाह की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ पे मिसिंग लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। पॉकेटमारी, सोन साखली, चैन स्नैचिंग बहुत बड़ी तादाद पे बढ़ चुके हैं। इसलिए साई बाबा संस्थान में आने वाले सब भक्तगण असुरक्षित है। बीच में पिछले कई दिनों में एडिशनल एसपी ने साई बाबा संस्थान को पत्र व्यवहार किया था कि साई बाबा संस्थान ने सीआईएसएफ की सुरक्षा लागू की करने की जरूरत करना जरूरी है, जहाँ पे साई भक्त सुरक्षित हो सकते हैं। मगर साई बाबा संस्थान ने वहाँ पे कुछ कार्रवाई नहीं की। इसके बावजूद शिरडी संस्थान के एक विश्वस्त ने पुलिस